नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम एक नई थ्योरी की बात करने वाले हैं। नई तो क्या, पुरानी है, आपने पढ़ी हुई होगी। इसका नाम क्या है? VSEPR। ठीक है, VSEPR थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम। VSEPR की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले VSEPR की फुल फॉर्म है वैलेंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, यानी कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब आप एक बात यहां देखिए, इसके नाम के अंदर ही पूरा का पूरा सिद्धांत क्या है, छिपा हुआ है। इसके नाम से ही हम पूरी की पूरी थ्योरी बना लेंगे, पूरा का पूरा सिद्धांत बना लेंगे। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए कि नाम क्या है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म। पहले इस नाम को पकड़िए और इसमें भी आप ये पकड़िए, संयोजकता कोष। ठीक है, संयोजकता कोष क्या है? किसी परमाणु का बाह्यतम कोष, किसी परमाणु का बाह्यतम कोष। जैसे ये कोई परमाणु है, उसका ये जैसे बाह्यतम कोष है, इसकी बात कर रहे हैं, बाह्यतम कोष। ठीक है, बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यह नियम किसके ऊपर आधारित है? यह नियम, मान लो कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसके ऊपर कितने पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों के पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों के युग्म हैं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी थ्योरी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। ठीक है, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर, बंद युग्म और एकाकी युग्म। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर क्या होता है आपको पता है? मान लीजिए कोई परमाणु है, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन ने किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस परमाणु ने किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लिया और जोड़ा बना लिया, और क्या बना लिया? जोड़ा बना लिया, पेयर बना लिया, बॉन्ड बना लिया और पेयर बना लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई परमाणु है, जैसे नाइट्रोजन है, उसके ऊपर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा उपस्थित है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा किसी दूसरे परमाणु के सहयोग से नहीं बना है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के, जो नाइट्रोजन के हैं, यानी कि इस जोड़े में किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। एक जोड़े के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से लिया गया है, किसी दूसरे परमाणु से लिया गया है, तब तो बॉन्ड पेयर, और उसी परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो वो लोन पेयर होते हैं। क्लियर है? तो हमको यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में बात करनी है। अब देखो, एक कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, उसके पास लोन पेयर भी होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं, कई लोन पेयर होते हैं, कई बॉन्ड पेयर होते हैं। अब जो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं ना, आखिर है तो ये इलेक्ट्रॉन ही, आखिर है तो ये इलेक्ट्रॉन ही, तो ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
सिद्धांत में लिखा हुआ है कि संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्रतिकर्षण दिखाते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है हमको संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो आपस में एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यही हमारे पास थ्योरी है, यही हमारे पास सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके बारे में ही हमको चर्चा करनी है। तो यहाँ तक मैंने आपको जो बताया उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात आती है ये जो सिद्धांत है वो किस किस ने दिया। तो यहाँ पे देखो अलग अलग जगह अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम आता है, किसी एक वैज्ञानिक ने तो दिया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वो आता है सिजविक का, मान लीजिए सिजविक आ गया। इसके बाद पोवेल ने भी इसमें कुछ बातें बताई, पोवेल नाम का वैज्ञानिक था। इसके बाद एक गिलेस्पी नाम का वैज्ञानिक था और एक नाइहोम। तो इन चारों वैज्ञानिकों के, इन चारों वैज्ञानिक अंकलों के हेल्प से, चारों की हेल्प से हमारे पास सिद्धांत तैयार हुआ। कौन सा? VSEPR। ठीक है, VSEPR। अब जनरली या मेनली ये सिद्धांत हमें किस चीज के बारे में बताता है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो हमने इससे पहले VBT के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसने कहीं पे भी हमको अणुओं की स्ट्रक्चर ज्यामिति के बारे में नहीं बताया, किसी भी अणु की आकृति कैसी होती है उसके बारे में नहीं बताया। तो यह सिद्धांत उसी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? यह सिद्धांत किसी अणु की ज्यामिति को बताता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, इस सिद्धांत के द्वारा किसी अणु की ज्यामिति को समझाया जा सकता है। अब आप कहेंगे ज्यामिति को समझा दिया, लेकिन किसके आधार पे? जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके अंदर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो उस प्रतिकर्षण के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के द्वारा किसी अणु की ज्यामिति को संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य होने वाले प्रतिकर्षण के आधार पर समझाया जा सकता है। प्रतिकर्षण के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? VSEPR। तो कोई भी अगर हमसे ये पूछ ले कि VSEPR कहाँ काम में आता है, तो हम बोलेंगे किसी अणु की ज्यामिति को समझाने के लिए काम में आता है। अब कोई पूछे कि किसी अणु की ज्यामिति को किस आधार पे समझाया जा सकता है, तो हम बताएंगे कि जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके आधार पर हम किसी अणु की ज्यामिति को समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ बातें हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, वो हमको बतानी है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ पोस्टुलेट हैं। ठीक है, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की
अणु की आकृति। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पे निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी अणु की आकृति किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन युग्मों पे निर्भर करेगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब भी कोई सेम चीजें पास आ जाती है तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म है उनमें प्रतिकर्षण होता है, ये वाली बात भी हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, सीधी सी बात है, दो चीजें अगर समान हो जाएगी तो वो आपस में प्रतिकर्षित करेगी। मान लो शादी में गए, दो लेडीज हैं, दो औरतें हैं, आप ये देख लीजिए कि किसी को बताना मत, मैंने आपको ये बात बताई, एक लेडीज है दूसरी लेडीज को देख लेगी कि इसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके की ज्वेलरी पहनी हुई है, तो उससे एक तरीके से उसमें प्रतिकर्षण होगा, है ना। वो जितना ज़्यादा अच्छा बन के आई होगी दूसरी, तो पहली वाली को उससे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ऐसा होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस माइनस है, एक तरीके से नेगेटिव नेगेटिव है ना। लेडीज़ को लेडीज़ से होता है, जेंट्स को जेंट्स से होता है। अब लेकिन हाँ, अगर कोई लेडीज अच्छे से आई है सज के, तो जो दूसरा है यानी कि जेंट्स है उसको तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों पे क्या है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, तो लेडीज लेडीज में अट्रैक्शन नहीं होता, वहाँ रिपल्सन होता है कि इसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए, है ना, ये मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है या मुझसे कम सुंदर लग रही है ना। और जेंट्सों को तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है कि भाई कितनी वाह क्या लग रही है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है, किसी को बताना मत, मैंने आपको ये गहरी राज की बात बताई है आपको, है ना, तो किसी को बताना मत। तो यहाँ देखते हैं ऐसे यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं। क्लियर है, अब आगे की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर किसी को उतारना है तो। देखो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास होते हैं, संयोजकता कोष में उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं, वो कम से कम इतनी दूरी पर रहना चाहते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, उनमें कम से कम प्रतिकर्षण हो, इतनी दूरी पर रहना चाहते हैं। तो आगे मैं क्या लिखूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं
होते हैं कि इनके मध्य इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण रिपल्सन कम से कम हो, कम से कम हो। ठीक है, इस तरीके का यहां पे प्रतिकर्षण कम से कम हो और दूरी अधिक से अधिक हो और दूरी अधिकतम हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सकेगा ना, जितना ज्यादा लोन पेयर हो सकेंगे वो ज्यादा दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि एक दूसरे से कम प्रतिकर्षण हो। ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये एक और बात हो गई। ठीक है, और देखो, जहां अणु की दो या दो से अधिक संरचना हो, कई अणु ऐसे होते हैं जिनकी दो संरचना होती है, तीन अणु संरचना होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं, तो उनकी व्याख्या भी हम किससे कर सकते हैं, इस मॉडल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, जहां अणु की दो या अधिक अनुनादी संरचनाएं हो, दो या अधिक संरचनाएं हो उसकी व्याख्या भी VSEPR मॉडल के द्वारा संभव है, मॉडल के द्वारा संभव है। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे एक चीज और बता देता हूं मैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर के बीच में होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होगा वो होगा लोन पेयर एकाकी युग्म के बीच में। जब बात आएगी एकाकी युग्म और बंद युग्म की, तो प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जब बात आएगी बंद युग्म की, तो प्रतिकर्षण और कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहां होगा। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ है ना, उसकी बात हम कहाँ करेंगे, इसके नियमों के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, अब हम बात करते हैं नियमों की। इसके कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम किसी भी अणु की आकृति को, ज्यामिति को समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन नियमों की बात करेंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बहुत है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके पार्ट टू में। तो इसके पार्ट टू को मिस मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।